हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बोर्ड परीक्षा में साइंस की तैयारी कैसे करें। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आपको बोर्ड परीक्षा अगर आपकी है तो उसमें साइंस की तैयारी करनी चाहिए, कि साइंस सब्जेक्ट में अब की बार जो है कि 90% से भी ज़्यादा अंक ला पाएँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपका बोर्ड एग्ज़ाम है और आपको साइंस तैयार करना है तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को देख करके जो स्ट्रेटजी मैं बताया हूँ उस स्ट्रेटजी से अगर आप पढ़ाई करते हैं तो इतना गारंटी है कि आप साइंस में जो है कि 90% से भी ज़्यादा अंक ला सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाए। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि आपको साइंस की तैयारी कैसे करनी है। तो फ्रेंड देखिए, साइंस की तैयारी करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको अपनी बुक्स उठानी है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आपको अपनी बुक्स उठानी है और उसमें यह आपको देखना है कि आपकी बुक्स में कितने चैप्टर हैं। जी हाँ दोस्तों, उसमें आपको यह देखना है कि आपकी बुक्स में कितने चैप्टर हैं। जैसे मान लीजिए कि आपकी जो साइंस की बुक है उसमें मान लीजिए कि 16 चैप्टर आपके हैं, तो ऐसे में आपको देख लेना है और उसके बाद यह देखना है कि कितने चैप्टर आपने पढ़ लिए हैं। जी हाँ दोस्तों, मान लीजिए कि 16 चैप्टर थे तो इसमें से मान लीजिए कि आपने 7 चैप्टर पढ़ लिए हैं और 9 चैप्टर अभी आपको पढ़ना है। तो कितना चैप्टर आपको पढ़ना है यह भी देखना है और कितना चैप्टर आपने तैयार कर लिया यह देखना है। तो उसके बाद मान लीजिए कि यह जो 9 चैप्टर है जो कि अभी आपके बचे हैं, आपने नहीं पढ़ा है, तो इसकी तैयारी आपको कैसे करनी है, इसके लिए आपको क्या करना है कि अपना क्वेश्चन बैंक उठाना है। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए आपको अपना क्वेश्चन बैंक उठाना है। जब आप अपना क्वेश्चन बैंक उठाएंगे तो उसमें से आपको क्या करना है कि यह जो 9 चैप्टर आपके बचे थे इसमें से आपको देखना है कि कितने चैप्टर जो है कि आपके इम्पॉर्टेंट हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आपको क्वेश्चन बैंक से पता चल जाएगा कि कौन कौन सा चैप्टर आपका इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ से आपको देख लेना है कि इन 9 चैप्टर में से कितने चैप्टर आपके इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे मान लीजिए कि इन 9 चैप्टर में से आपके 5 चैप्टर ऐसे हैं जो कि आपके ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और 4 चैप्टर ऐसे हैं जो कि आपके कम इम्पॉर्टेंट हैं। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले इस 5 चैप्टर को पढ़ना है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले इस इम्पॉर्टेंट 5 चैप्टर को पढ़ना है और उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप इस कम इम्पॉर्टेंट चैप्टर को भी पढ़ लीजिएगा, लेकिन ज़्यादा चांस आपके जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं उससे क्वेश्चन आने के रहते हैं, तो इसलिए सबसे पहले इसको तैयार करना है। तो इस तरह से आपको पढ़ना है और साथ ही साथ आपको क्या करना है कि शॉर्ट नोट्स बनाना है। जी हाँ दोस्तों, जो आप तैयार करें उसका जो है कि आपको शॉर्ट नोट्स बना लेना है। शॉर्ट नोट्स बनाने का फ़ायदा यह होगा कि जब आप रिवीजन करने के लिए बैठेंगे तो आपको काफ़ी कम टाइम लगेगा चैप्टर को रिवाइज करने के लिए। तो इसलिए जो है कि आपको शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाना है और जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो एग्ज़ाम देने के पहले भी आप शॉर्ट नोट्स से तैयार कर सकते हैं, क्योंकि बुक्स में जो है कि पूरा सिलेबस दिया रहता है, लंबा चौड़ा रहता है, और शॉर्ट नोट्स में जो इम्पॉर्टेंट है उसी को शॉर्ट में लिखा रहता है। तो इसलिए जो है कि इससे कम टाइम लगता है और आपको तैयार करने में काफ़ी जो है कि मदद मिलती है। तो इसलिए जो है कि आपको शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाना है और उसके बाद जो लास्ट चीज़ आपको करनी है वह है रिविज़न। जी हाँ दोस्तों, आपको जितना भी पढ़ें, चाहे एक चैप्टर पढ़ें चाहे दो चैप्टर पढ़ें, उसका जो है कि आपको रिविज़न डेली करना है, क्योंकि अगर आप डेली रिविज़न नहीं करेंगे तो जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ पर जो है कि चीज़ों को भूल जाएंगे आप, जो है कि आपको याद नहीं आएगा। तो ऐसे में जो है कि आपको डेली रिविज़न भी करना है, चाहे आप एक ही टॉपिक पढ़ें तो क्या, उसका रिविज़न आपको डेली करना है। तो इसलिए जो है कि इस तरह से आप तैयारी करिए। अगर आप इस तरह से साइंस की तैयारी करते हैं तो आप बोर्ड एग्ज़ाम में एक अच्छा खासा नंबर ला सकते हैं, आप 90% से भी ज़्यादा अंक ला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब।